कुछ अन्य बड़ी खबरों की। तो कुछ सियासी खबरों की बात कर लेते हैं। बीजेपी की केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक 10 मार्च को संभावित है। उससे पहले एनडीए में सहयोगियों की संख्या बढ़ने की संभावना नजर आ रही है। पार्टी की केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक 10 मार्च को संभावित है और टीडीपी मुखिया चंद्रबाबू नायडू और पवन कल्याण की जनसेना के साथ गठबंधन हो सकता है। चंद्रबाबू नायडू ने पार्टी अध्यक्ष जेपी नड्डा के साथ में मुलाकात भी की है। उधर बिहार में एनडीए सहयोगियों के साथ सीट बंटवारा को लेकर विचार विमर्श का दौर जारी है। चिराग पासवान ने बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा से हाल ही में मुलाकात की है। बीजेपी ओडिशा में नवीन पटनायक की बीजेडी से भी गठबंधन करने जा रही है और इस तरह की खबर है कि जल्द ही इसका ऐलान हो सकता है। बीजेडी ने खुद इसके संकेत दिए हैं। और वही खबर है कि महाराष्ट्र में भी शिवसेना और एनसीपी के साथ बीजेपी की सीट बंटवारे को लेकर बात बन गई है। तो कुल मिलाकर अगर इसको इस तरह से देखा जाए कि जो एनडीए का कुनबा है वो लगातार बढ़ रहा है, चाहे वो बीजेडी के साथ उनका गठबंधन हो बीजेपी का, और या तो फिर बात जैसे अभी हमने आपको बताया कि पवन कल्याण की जनसेना और चंद्रबाबू नायडू की टीडीपी के साथ में बात हुई है। उधर चिराग पासवान भी लगातार बात कर रहे हैं। तो कुल मिलाकर जो बीजेपी का और जो कुनबा है एनडीए का कुनबा है दरअसल वो लगातार बढ़ रहा है। और इधर कांग्रेस भी लगी हुई है। कांग्रेस पार्टी लोकसभा चुनावों के लिए आज उम्मीदवारों की पहली लिस्ट जल्द ही जारी कर सकती है। कांग्रेस की केंद्रीय चुनाव समिति ने कल छत्तीसगढ़, केरल और कई अन्य राज्यों में करीब 40 सीटों पर उम्मीदवारों के नाम पर मुहर लगाई है। सूत्रों के मुताबिक इन उम्मीदवारों में केरल की वायनाड सीट से राहुल गांधी का नाम भी शामिल है। इस बैठक में पार्टी अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, पूर्व अध्यक्ष सोनिया गांधी, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए राहुल गांधी, चुनाव समिति में शामिल कई अन्य नेता, संबंधित राज्यों के प्रभारी और वरिष्ठ नेताओं ने इसमें हिस्सा लिया। बैठक में खड़गे की अध्यक्षता में हुई इस केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक में विचार विमर्श के दौरान 11 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की कुल 60 लोकसभा सीटों पर चर्चा की गई। सीईसी की बैठक में विभिन्न स्क्रीनिंग कमेटीज द्वारा भेजे गए नामों में से उम्मीदवारों के नामों पर मुहर लगाई जाती है। यह कांग्रेस का काम करने का तरीका है फिलहाल, सीईसी जो उनकी है। और सीपीआई के नेता और केरल के मुख्यमंत्री पिनराई विजयन ने अपनी सहयोगी पार्टी कांग्रेस पर निशाना साधा है। कांग्रेस के कुछ चर्चित चेहरों के बीजेपी में शामिल होने के मद्देनजर उन्होंने कांग्रेस पार्टी को ही जिम्मेदार ठहराया। उन्होंने कहा कि इनकी इस बात की क्या गारंटी है कि कांग्रेस के नेता सत्ता में आने पर उनके साथ बने रहेंगे और बीजेपी में शामिल नहीं होंगे। दिवंगत कांग्रेस नेता के करुणाकरण की बेटी पद्मजा वेणुगोपाल के बीजेपी में शामिल होने के चंद घंटों बाद विजयन ने यह बात कही। कन्नूर लोकसभा सीट से वामपंथी उम्मीदवार एमवी जयराजन के लिए यहां एक चुनावी सभा आयोजित की गई थी कन्नूर में, और मुख्यमंत्री ने कहा कि कांग्रेस के 11 पूर्व मुख्यमंत्री, कई केंद्रीय मंत्री और सैकड़ों वरिष्ठ नेता पार्टी छोड़कर बीजेपी में शामिल हो गए हैं। तो आप ये समझ सकते हैं कि किस तरह से, जिसको कहते हैं कि एक राजनीतिक चिंता तो साथ साथ ही है, वहीं कांग्रेस पर भी हमला बोल रही है सीपीएम, जो केरल में उनके साथ चुनाव मिलकर लड़ने जा रही है। तो इन सारी खबरों पर बात करेंगे। शैलेन मिश्रा हमारे साथ मौजूद हैं। भाजपा की केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक पार्टी की हमने आपको बताया कि 10 तारीख को होने वाली है, तो उस पर बातचीत करेंगे। हमारे साथ शैलेन जुड़ गए हैं। शैलेन्द्र, आपने देखा कि जो पूरा एक इवेंट्स हैं कांग्रेस में, एक घमासान जैसी स्थिति कहीं ना कहीं मची हुई। आपने अभी पिनराई विजयन का बयान सुना कि किस तरह से वो कह रहे हैं, एक प्रश्न चिन्ह लगाया उन्होंने कांग्रेस के ऊपर ही कि ये जीत कर आ भी गए तो क्या हमारे साथ बने रहेंगे। वहीं जो एनडीए का कुनबा है वो लगातार बढ़ रहा है। किस तरह से ये जो चुनावी मौसम में जो उठापटक है कैसे करेंगे, इसका आकलन क्या बताएंगे हमारे दर्शकों को? देखिए निखिल, कांग्रेस पार्टी पर इसलिए वामपंथी दल हमला कर रहे हैं कि कांग्रेस पार्टी के जो नेता बीजेपी में शामिल हुए हैं वो कोई एक तरह से देखे तो स्थानीय नेता नहीं है, बड़े नेता अब बीजेपी में शामिल हो रहे हैं। अर्जुन मोडवाड़िया जैसा नाम गुजरात में बड़ा चेहरा, और अब एक मुख्यमंत्री रहे व्यक्ति की, आप जानते हैं केरल में उनकी बेटी कल ही शामिल हुई, तो इस तरह से बड़े नाम भारतीय जनता पार्टी में आ रहे हैं। निश्चित तौर पर यह दिखाता है कि कांग्रेस पार्टी के लिए एक चुनौती वाली बात है कि वो बड़े नेताओं को भी रोक नहीं पा रही है। स्थानीय स्तर पर छूट गए नेताओं की तो बात ही अलग है। तो क्या ये कांग्रेस पार्टी के लिए गंभीर संकट का दौर नहीं है कि जब अब लोकसभा चुनाव का ऐलान जल्दी होना है तब केरल जैसे राज्य में इतने बड़े नेता रहे, उनकी बेटी,
पार्टी में बीजेपी में आती है कांग्रेस छोड़ के, तो उसी बहाने हम देख रहे हैं वामपंथी दल निशाना साध रहे हैं। इधर हम देख रहे हैं कि बीजेपी में बैठकों का दौर कल और परसों लगातार देखने को मिला। तमाम राज्यों के कोर ग्रुप की बैठक हुई, हिमाचल की हुई, हरियाणा की हुई, बिहार को लेकर चर्चा हुई, तमाम अन्य राज्य उड़ीसा को लेकर चर्चा हुई। और इस बीच जो कोर ग्रुप की जो बैठक बीजेपी की हुई, इसके इतर हमने देखा कि बीजेपी के शीर्ष नेतृत्व से मुलाकातों का दौर भी जारी है। जो संभावित सहयोगी एनडीए में जुड़ने वाले हैं, आंध्र प्रदेश में चंद्रबाबू नायडू और पवन कल्याण की जनसेना के साथ बीजेपी का एक गठबंधन होगा, इस तरह की एक खबरें न केवल आ रही बल्कि ये एक तरह से उस पर बहुत बात आगे बढ़ चुकी है। और कहा यह भी जा रहा है कि एक तरह से बीजेपी 6 सीट वहां मांग रही है, 5 सीटों पर सहमति बन गई है, 2 सीटें पवन कल्याण की जनसेना पार्टी को मिलने वाली है। तो लोकसभा चुनाव तीनों दल मिलकर चुनाव लड़ेंगे। उड़ीसा में कहा जा रहा है कि बीजेपी 14 सीटों पर चुनाव लड़ेगी और बाकी बची जो 7 सीटें हैं वो बीजेडी यानी नवीन पटनायक की पार्टी को मिलेगी। इस तरह से एनडीए के हम सहयोगियों की संख्या भी बढ़ते देख रहे हैं। महाराष्ट्र में सीटों पर सहमति बनती दिखाई दे रही है, हालांकि एक दौर की बातचीत और होगी। आंध्र के नेता जो है वो एक बार फिर से बीजेपी के शीर्ष नेतृत्व से बातचीत करेंगे, उसके बाद आंध्र में औपचारिक ऐलान होगा। बिहार को लेकर जरूर चर्चा अभी और आगे होगी, चूंकि हम जानते हैं कि लोजपा के जो 2 धड़े हैं पशुपत पारस और चिराग पासवान दोनों एनडीए के साथ है, तो ऐसे में सीट बंटवारे को लेकर कुछ बातचीत का दौर लंबा खींच रहा है। इसके साथ ही साथ बाकी जो सहयोगी दल उनके साथ बातचीत होनी है, तो बिहार को लेकर भी जल्दी ही सहमत बन जाएगी ये संकेत मिले जी। अब की बार 400 पार एनडीए 400 पार का जो नारा दिया गया है, बीजेपी 370, बहुत सीरियस एफर्ट्स बीजेपी कर रही है। लेकिन साथ ही साथ जो इंडी गठबंधन है, जिसके बारे में कहा जा रहा था कि अभी तो केवल 28 है और आगे ये कुनबा बढ़ेगा, वो बढ़ता हुआ तो नजर नहीं आ रहा है, बल्कि जो एक आपसी भितरघात, आपसी जो टूट, जो मनमुटाव है, वो साफ अब सरफेस पर, जिसको कहते हैं सतह पर सामने आ रहा है। निखिल देखिए, जो इनके साथ थे यानी इंडी गठबंधन के साथ संयोजक बनने की जिनकी चर्चा थी, वो वापस भाजपा में आ गए नीतीश कुमार। ममता बनर्जी जो टीएमसी है, वो देखिए सीट देने को तैयार नहीं है पश्चिम बंगाल में, ले देकर आम आदमी पार्टी से बहुत विचार विमर्श के बाद दिल्ली में एक सीट बंटवारे को लेकर कुछ सहमति बनती दिखाई दी है, लेकिन वहां पर भी तमाम चुनौतियां हैं। किस तरह से कौन सी सीट पर कौन लड़ेगा, इसको लेकर हम देख रहे हैं कि बातचीत का दौर जारी है। तो एक चुनौती ये है कांग्रेस पार्टी के साथ कि एक गठबंधन जरूर बनाया है उन्होंने, इन्हें बीजेपी कहती है कि परिवारवादी पार्टियों को बचाने के लिए गठबंधन बनाया गया है, लेकिन उसके नेता आपस में कुछ तय नहीं कर पा रहे हैं। यही वजह है कि उनकी सीट बंटवारे की स्थिति अभी पूरी तरह से साफ नहीं दिखाई दे रही। वहीं बीजेपी 195 सीटों पर नाम का ऐलान कर चुकी है। 10 तारीख को जो बैठक है उसमें कहा जा रहा है कि कम से कम 150 सीटों पर चर्चा होगी, यानी 11 तारीख तक हम देखेंगे कि जो ऐलान होगा वो 300 सीटों से पार जा चुका होगा। और बीजेपी जहां मजबूत है वहां भी नए सहयोगियों को जगह दे रही है, उनको सीट दे रही है। उत्तर प्रदेश आप देखिए, सुभाषपा उसको साथ लाए, राज्य में मंत्री बन चुके हैं, सीट भी उनको दी जा रही है। अनुप्रा पटेल पहले से ही साथ है, प्रवीण निषाद बीजेपी के सिंबल पर चुनाव लड़ने का ऐलान उनका हो चुका है। तो इस तरह से हम देख रहे हैं कि बीजेपी एक एक सीट पर होमवर्क कर रही है। जी जी जी, निश्चित तौर पर एक एक सीट पर होमवर्क कर रही है, जो उनके गठबंधन के साथी है उनसे लगातार बात कर रही है और स्थितियों को अपने अनुकूल कर रही है। बहुत शुक्रिया इस तमाम बातचीत और जानकारी के लिए शैलेन। और अब बात करेंगे ताजा खबर की।